जमीयत उलमा इस्लाम नूरानी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी अल्लामा कारी बहादुर ने मुहर्रम के जुलूस रोकने की धमकी दे दी है। तफसीलात के मुताबिक कारी बहादुर ने कहा है कि किसी सूरत नवासे रसूल की शहादत के हवाले से जुलूसों को निकलने नहीं दिया जाएगा। ये बात इन्होंने तहरीक लब्बैक के अशरफ जलाली की हिमायत में बुलाए गए उलमा व मशाइख के इजलास से खिताब करते हुए कही। कारी बहादुर ने वफाकी वुज़रा को मुखातिब करते हुए कहा कि वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगी, अगर हमारा बंदा पकड़कर अंदर किया है तो हम पूरे मुल्क में मुहर्रम के जुलूस नहीं निकलने देंगे। एक तरफा वन वे ट्रैफिक चल रही है, मैं इस पे शदीद एहतजाज कर रहा हूँ कि हमें मजबूर न करो कि हम मुहर्रम से पहले ये फैसला कर लें। हम मुहर्रम से पहले अगर डॉक्टर साहब रिहा ना हुए, एक मीटिंग और करेंगे, फैसला करेंगे कि हमने कुछ जुलूस निकलने देना है या नहीं देना। जमीयत उलमा इस्लाम नूरानी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी ने अशरफ जलाली की शान सैयदा में गुस्ताखी को इल्मी बहस करार दिया और कहा कि जिन्होंने बड़ी बड़ी गुस्ताखियां की हैं इन्हें क्यों नहीं पकड़ा जाता। कारी बहादुर ने हुकूमत को धमकी दी, अगर मुहर्रम से पहले अशरफ जलाली को रिहा नहीं किया गया तो हम आइंदा इजलास में फैसला करेंगे कि मुल्क में मुहर्रम के जुलूस निकलने देना है या नहीं।